Guys, I recently read this article that completely blew my mind. It read that हमारे देश के राष्ट्रपति की salary is only 1.5 lakh rupees. That's ridiculous, right? How can the president earn less than my dad? How can the president of the whole country earn less than the regional manager of L&T? वो भी semi-retired. I don't think this should happen. Under no circumstance should the president aspire to be my dad. क्योंकि प्रेसिडेंट को न्यूक्लियर बॉम्ब का कोड पता है, मेरे पापा को खुद का बर्थडे नहीं पता है. How can we ever be a developed country when our president is still middle class? देश का GDP छोड़, प्रेसिडेंट का CTC देख. वो रो रहा है, बोनस तो देखो. See, India might be a great country, but it's a terrible company. We are treating our CEO like an intern. बहुत embarrassing होगा अगर कल कोई अच्छा job opportunity आ जाए और प्रणब मुखर्जी TCS join कर जाए. अच्छा नहीं लगता ना अगर हमारे प्रेसिडेंट को किसी से उधार मांगना पड़े, अगर उन्हें पार्ट टाइम जॉब करना पड़े, वो इधर देश पे चला नहीं तो दो बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ा रहे. नहीं होना चाहिए ना ये. But that's not what bothers me. What bothers me is that now they've realized कि president का salary बहुत कम है and hence they're giving him a 300% hike. So the president's new salary is going to be 5 lakh rupees. जो मुझे लगता है अब थोड़ा ज़्यादा हो गया. I know I'm contradicting myself, पर मुझे लगता है प्रणब मुखर्जी ऐसे इंसान है वो 15% में खुश हो जाती है. Not doing it for the money. क्योंकि देखो, also if we talk inside closed doors, वैसे हमारा प्रेसिडेंट करता क्या है? इंडिया में प्रेसिडेंट का काम है प्राइम मिनिस्टर के काम में दखल ना देना. कुछ ना करने के लिए 5 लाख रुपए. Unless there is president's rule, the president chills. है ना? क्योंकि also think about it. हमारे प्रेसिडेंट का, इनफैक्ट दुनिया के कोई भी प्रेसिडेंट के लाइफ में कोई खर्चा भी नहीं है. वो प्रेसिडेंट है, उसको राष्ट्रपति भवन में रेंट नहीं भरना पड़ता. For him, everything is on the Bhavan. है ना? और तू राष्ट्रपति है, तू कुछ भी कर सकता है. If you want some extra cash on the side, इतना बड़ा राष्ट्रपति भवन है, मैं कहता हूँ भाड़े पे लगा दे. क्या रेंट मिलेगा? Because राष्ट्रपति भवन first of all prime location. उनका एड्रेस ही उनका लैंडमार्क है. अगर ऊपर बुलाना होगा ना तो निकट में लग, हाँ उधर दिखा राष्ट्रपति भवन, हाँ उधर ही मैं खड़ा, उधर ही आ रहा. Secondly, राष्ट्रपति भवन मतलब गेटेड सोसाइटी. कोई यूरेका फोर्ब्स का सेल्समैन नहीं आएगा वैक्यूम क्लीनर बेचने. नहीं चाहिए, वो प्रेसिडेंट है. And thirdly and most importantly, your landlord is a guy whom you can rely upon. उसको देश ने अपॉइंट किया है. वो ऐसा नहीं करेगा छोड़ने के टाइम पे, नहीं मैं डिपॉजिट के पैसे वापस नहीं दूंगा, रंग बिल्कुल उतर गया है, आप लोग बहुत शोर करते हो, एक बार तो लड़की भी आई थी, मुस्लिम लोग आते रहते हैं. नहीं नहीं करेगा. लिबरल माइंडेड लैंड ओनर. एंड यू माइट नॉट नो दिस दैट आवर प्रेसिडेंट अपार्ट फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन ही ऑल्सो गेट्स 2 रिक्रिएशनल होम्स जस्ट टू चिल. वन इन शिमला, अनदर वन इन हैदराबाद. तो मैं कहता हूं अगर शिमला वाला पीक सीजन में प्रणब मुखर्जी बेड एंड ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर देना तो उन्हें राष्ट्रपति से करोड़पति बनने में कोई नहीं रोक सकता. सो हैविंग कैलकुलेटेड एवरीथिंग, आई फिगर आउट कि प्रेसिडेंट का सैलरी होना चाहिए 2,15,000 रुपीज प्लस मेडिक्लेम. Because that's exactly how much my dad earns, and both are equally undeserving. See, I'm shit scared to do this bit because I'm recording this bit and I'm gonna, you know, upload it on YouTube. और हमारे देश में क्या है कि गधों की कमी तो है नहीं, तो एक ना एक गधा प्रणब मुखर्जी के बिहाफ में ऑफेंड हो जाएगा, मेरे नाम पे FIR भी लिखी जाएगा. और हमारा देश कुछ ऐसा है कि इस मामूली सी जोक की वजह से मुझे फांसी भी लग सकती है, और अगर लग जाए तो मर्सी पिटिशन मुझे प्रेसिडेंट को ही लिखना पड़ेगा. And he would be like, अभी तो मैं शिमला में हूँ, बाद में देखता हूँ. আমার কাছে কিছু পয়সা ছিল, মাই দিয়েছিলেন. তারপরে তিনি বললেন যে দেখ তোর এই পয়সাটা বাড়বে, তাহলে কি হবে না, বীজ পুঁতে দিলে যেমন গাছ হয়, সেই গাছ থেকে ফল হয়, তেমনি পয়সা যদি তুই মাটিতে পুঁতে রাখিস তাহলে সেখানে আমি প্রত্যেক দিন জল দেবো, দিলে পয়সার গাছ হবে, অনেক বেশি পয়সা হবে, তোর এই কটা পয়সার চেয়ে অনেক গুণ বেশি পয়সা পাবে. এবং আমি বোকার মতো তার কথায় বিশ্বাস করে তাকে দিলাম, সে পয়সা মাটিতে পোঁতার পরিবর্তে পকেটে পুড়ে নিয়ে চলে গেল. তারপর বললো না তোর পয়সা, তার গাছ হলো না, ওটা খারাপ হয়ে গেছে.